हेलो गाइस, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आपका GT5 के एक और नए एपिसोड में। तो यार लास्ट वाले एपिसोड में गाइस आप लोग को याद होगा कि यार डेविड ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो वहां से ना गाइस मैं जैसे तैसे करके यार बाहर निकल गया था। और जैसे ही गाइस उस लोकेशन पर ट्रेवर पहुंचा ना, तो ट्रेवर ने और मैंने मिलकर ना उसकी जितनी भी सिक्योरिटी वाले थे ना, उन सबको गाइस वहां पर निपटा दिया था। और स्पेशली उसका जो बॉडीगार्ड है ना, वो गाइस वहां से दुम दबाकर भाग गया। मतलब जैसे ही उसने गाइस ट्रेवर को देखा ना, वो सीधा वो कार में बैठा और सीधा गाइस वहां से निकल गया। ट्रेवर ने वैसे उनका पीछा करने की कोशिश करी थी, पर यार देखो वो दुम दबाकर वहां से निकल गया था। बाकी ट्रेवर और मैं गाइस रास्ते में जब जा रहे थे ना, तो अचानक से गाइस ट्रेवर की जो डिफेंडर है ना, वो ब्लास्ट हो गई। अब पता नहीं ऐसा कौन सा बॉम्ब है उसके बॉडीगार्ड ने ट्रेवर की कार पर लगाया था, जिससे कि यार बुलेट प्रूफ कार भी अचानक से ब्लास्ट हो गई। तो मैं तो यार देखो वहां पर बेहोश हो गया था। और जो डेविड है ना, वो गाइस वहां पर रुका नहीं, उसने देखो हॉस्पिटल में ना काफी सारे अपने बंदे भेजे थे मुझे मारने के लिए। पर वहां पे गाइस ट्रेवर था और साथ में गाइस प्रेसिडेंट भी वहां पर आ रखे थे। तो प्रेसिडेंट ने और ट्रेवर ने मिलके ना उसके सारे बंदों की ना वहां पर बैंड बजा दी, मतलब सबको एक एक करके ना सबको गाइस वहां पर मार दिया था। और फिर गाइस मैं वापस घर पे चले गया था। और अभी फिलहाल गाइस मैं देखो ये जो पीछे गन फैक्ट्री है ना, मैं फिलहाल अभी यहीं पर आ रखा हूं, क्योंकि आप लोग को याद होगा देखो मैंने जो है प्रेसिडेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ये वो गन फैक्ट्री, क्योंकि देखो मेरे को लोकेशन ना याद हो गई थी, क्योंकि इस एरिया में मेरा काफी ज्यादा आना जाना रहता था। बाकी ये जो सामने तुम लोग सिक्योरिटी देख रहे हो ना, पहले गाइस मुझे लग रहा था ना कि ये सिक्योरिटी शायद डेविड की है, और ये जो घर है ना ऊपर तुम लोग को दिख रहा है, ये भी मुझे लग रहा था डेविड का ही, क्योंकि देखो इसके ठीक सामने जो है गन फैक्ट्री थी जो कि डेविड की है। पर गाइस बाद में मुझे पता चला, आप लोगों ने भी उसे कमेंट में मेरे को बताया था कि ये सिक्योरिटी ना प्रेसिडेंट ने ही दुबई किंग को गिफ्ट में दी है। तो देखो बहुत बढ़िया चीज। और वो जो सामने तुम लोग को दिख रहा है मेंशन बढ़िया सा, वो भी गाइस दुबई किंग का ही, मतलब देख रहे हो क्या खतरनाक बंदा है। उसने इतनी ऊपर देख रहे हो महल जैसा अपना बना रखा है पूरा यार, जैसे महल तो नहीं मेंशन बोलेंगे, महल तो काफी ज्यादा बड़ा होता है इससे भी। बाकी काफी सही है। बाकी फिलहाल तो फिर देखो मैं यहीं पर आ रखा हूँ। और प्रेसिडेंट देखो यहाँ से तो चले गए थे, उन्होंने मेरे को यहाँ पर रोक के रखा था कि मैं जो है कैप्टन का आने का इंतजार करूँ। तो कैप्टन फिलहाल यहाँ पर आ रखा है, और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे देखो काफी सारी डेड बॉडीज रखी हुई, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ पे काफी सारे जो है डेविड के बंदे थे, हमने उन सबको एक एक करके मार दिया था और अंदर से ना पूरी फैक्ट्री खाली कर दी थी। बाकी काफी सारी डेड बॉडी तो यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है। बाकी ये लोग यहाँ पे शायद डेड बॉडी वगैरह काउंट कर रहे हैं, और देखो पुलिस वाले यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अब मुझे लगता नहीं कि डेविड दोबारा यूज करने वाला है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं देखो प्रेसिडेंट से बातचीत करूंगा और उनसे बोलूंगा कि इस जगह पर ना भाई अब अपना कब्जा जमा लेते हैं और एक गन फैक्ट्री स्टार्ट कर देते हैं, जिसको शायद ट्रेवर या फिर कोई ना कोई चला ही लेगा। बाकी कैप्टन देखो यहाँ पर शायद बात कर रहे किसी से। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग वेट करते हैं। और यहाँ से ना देखो मेरे पे फिलहाल अभी कोई कार है नहीं, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, पुलिस की हम लोग कार तो देखो ऐसे लेकर जा नहीं सकते, यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी है देखो पुलिस की। तो मैं ना अभी कैप्टन शायद उससे बातचीत कर रहा हूँ, उसकी बातचीत वहाँ पर खत्म हो जाए फिर मैं ना देखो ये बाइक लेकर ही चले जाऊंगा। और यहाँ से ना मैं सीधा जाने वाला हूँ हाईटेक बंकर पे, और वहाँ से ना गाइस अपन लोग अपनी जो जी वैगन है ना, जो भाई मैंने बहुत ज़्यादा कम चलाई है, उसी को वहाँ से उठाएंगे और सीधा गाइस अपन लोग चलेंगे घर पे। और मेरा जो गाइस हैकर है ना, वो भी फिलहाल हाईटेक बंकर में है, तो मैं भी एक काम करूँगा ना वहीं से अपन लोग जी वैगन उसको बिठा कर ना घर पे लेकर चले जाएंगे। बाकी यहाँ पे डेड बॉडी देख रहे हो, ये लोग शायद काउंट वगैरह करके इसको यहाँ से शिफ्ट करवा देंगे। बाकी एक काम करते हैं यार, पहले कैप्टन को इससे बातचीत करने लेने देते हैं, उसके बाद गाइस मैं भी कैप्टन से पूछ लेता हूँ पहले, क्योंकि देखो मैं ऐसे तो बाइक ऐसे लेकर जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि यार देखो वो पुलिस की बाइक है। ओके गाइस, यार तो मेरी यहाँ पे कैप्टन से बातचीत हो चुकी है, और कैप्टन ने गाइस मुझे परमिशन भी दे दी है उस बाइक को लेकर जाने की। बाकी कैप्टन मुझसे कह रहा है कि भाई उस बाइक को ना बस तू पुलिस स्टेशन पहुँचवा देना थोड़ी बहुत देर में, बाकी उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि मैं जैसे हाईटेक बंकर पे जाऊँगा ना, तो मैं कमांडो को बोल दूंगा, वो गाइस इस बाइक को ना पुलिस स्टेशन में पहुँचा देगा। बाकी देखो हम लोग उस बाइक को आराम से लेकर जा सकते हैं, वैसे देखो ऐसे पुलिस की बाइक ना कोई चला नहीं सकता है, पर हम देखो कैप्टन के दोस्त। और एक भाई पहले मैं सायरन इसका बंद कर लेता हूँ, और हेलमेट भी अपन लोग लगा लेते हैं, रूल वगैरह तो अपन लोग वैसे भी तोड़ते रहते हैं, पर ये वाला रूल हम लोग मान लेते हैं। बाकी यहाँ से गाइस मैं निकलता हूँ सीधा हाईटेक बंकर में, और बाइक ना देखो ऐसे कोई भी सिविलियन चला नहीं सकता है पुलिस की, ठीक है। बस देखो कैप्टन ना अपना दोस्त है, और स्पेशली देखो प्रेसिडेंट के भाई हम स्पेशल वाले दोस्त हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैप्टन भाई हमको ये बाइक, वैसे कैप्टन कहते हैं तू कार भी लेकर जा सकता है, पर मैंने कहा यार नहीं मेरे को बाइक ही दे दे। तो एक काम करते हैं इसको अपन लोग भगाते हैं, और सायरन तो मैं फिलहाल इसका ऑन करके चलाऊंगा नहीं, क्योंकि यार देखो वो सिर्फ पुलिस वाले ही कर सकते हैं, वैसे भी अपने को सायरन ऑन करने की ज़रूरत है नहीं। तो फटाफट से गाइस इस वाली अपन लोग बाइक को भगाते हैं और चलते गए सीधा बंकर, और वहां से ना जी वैगन उठा के सीधा अपन लोग जाने वाले हैं घर पे। ओके गाइस, इधर तो हम लोग यार अपने बंकर पर पहुंचने वाले हैं, जो अपना हाईटेक बंकर है। तो फटाफट से गाइस एक काम करते हैं, इस वाली बाइक को अपन लोग भगाते हैं। और ये लाइट हाउस तो गाइस तुम लोग को याद ही होगा, यहाँ पे काफी टाइम पहले मैं रहा करता था, बाकी अब तो फिलहाल अपना गाइस यहाँ पे रहना तो है नहीं। बाकी एक काम करते हैं फटाफट से इस वाली बाइक को भगाते हैं और सीधा ना देखो बंकर पे लेकर चलते हैं। मुझे गाइस अपनी जी वैगन चलाने का ना
बड़ी देर से मन कर रहा है। बाकी आप लोग बस काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि अपनी जी वैगन को निकालो, तो गाइस अपन लोग उसको निकालने वाले हैं। बाकी ए डिफेंस तो यहाँ पे एकदम सही लगे पड़े हैं, कोई भी यहाँ पे देखो अटैक करने की कोशिश करेगा ना तो भाई अंदर घुसने से पहले ना वो वहाँ बाहर ही गई, उसकी कार वगैरह सब ब्लास्ट हो जाएगी। बाकी वो देखो गाइस वो खड़ी है अपनी जी वैगन, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम यहाँ पर आया था ना तो मैंने गाइस बॉडीगार्ड को ही बोल दिया था कि अपनी जी वैगन को ना अंदर रखने वाले अपने कमांडो हैं, तो हेलमेट को फटाफट से उतारो और कितनी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पे गए तुम लोग एक नज़र डाल लो कि लाइन से देखो यहाँ पे जी वैगन ये वाली देखो अलग सी कस्टमाइज जी वैगन है, मतलब यहाँ पे जितनी भी कार खड़ी है ना वो सारी गाइस कस्टमाइज वाली कार है, देख रहे हो खाली ये ब्रेबस खुड़ के। वैसे ये भी देखो कस्टमाइज ही है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हैं, और ये वाली जी वैगन अलग है, ये ब्रेबस अलग है, और जो लेस्टर की कार है ये भी गाइस कस्टमाइज ही है। सामने देख रहे हो आगे से उसकी लाइटें वगैरह जलती है, और अपनी जी वैगन तो देखो है ही कस्टमाइज। बाकी एक काम करते हैं फटाफट से अब अंदर चलते हैं बिना किसी देरी के, और मैं ना फटाफट से हैकर को बुला के लाऊं यार, क्योंकि हैकर भी फिलहाल अभी यहीं पे ही है, और उसको ना आप लोग घर पे लेकर चलते हैं। और हाँ गाइस एक चीज़ और, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हैकर को ना अपनी जो जेस्को है वो अपन लोग गिफ्ट कर देते हैं। अभी मैं चल के ना उससे एक बार बातचीत करता हूँ कि तो वो शायद कमांड सेंटर में ही होने वाला है। काम करते हैं फटाफट से आप लोग चलते हैं, वैसे अपनी कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं हुई यहाँ पे, हम लोग देखो मीटिंग आराम से कर सकते हैं पीछे एरिया में। कि तो ये खड़ा है अपना हैकर, और यहाँ पे तो मुझे सब लोग आज नजर आ रहे हैं। एक काम करते हैं ना इससे फटाफट से हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ओके गाइस इधर तो हैकर से यहाँ पे मेरी बातचीत हो चुकी है, और हैकर ने गाइस मेरे को साफ साफ मना कर दिया है। हैकर मेरे को कह रहा है कि भाई तेरी जो सेकंड हैंड जेस्को है ना वो मेरे को नहीं चाहिए, तुझे अगर कार दिलानी है ना तो एक नई कार मेरे को दे दे। अबे भाई हैकर वो जो जेस्को तू कह रहा है ना सेकंड हैंड, वो है तो सेकंड हैंड पर देख ऐसी कार ना तुझे पूरे लॉस सैंटोस में ना कहीं नहीं मिलने वाली देखने को। ओके तो हैकर मेरे को कह रहा है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैसे भी इसको सुपर कार का शौक नहीं है। अबे भाई तुझे सुपर कार नहीं लेनी तो कौन सी कार चाहिए तुझे? ओके तो हैकर मेरे से कह रहा है इसको कोई लग्जरी सी कार चाहिए। अबे भाई इतनी भी लग्जरी कार मत देख भाई, अपने बजट से बाहर हो जाए। वैसे देखो अपने बजट तो अभी फिलहाल काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यार देखो अपन लोग प्रेसिडेंट के साथ काम कर रहे हैं तो अपने को पैसों की फिलहाल अभी ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो फिर हैकर एक काम कर देख, तेरे को कार तो देख दिलानी है ही मेरे को, ठीक है? मैंने तुझे काफ़ी टाइम पहले बोला था, तो तू अपना जो भी छोटा मोटा काम कर रहा ना फटाफट से काम निपटा कर बाहर की तरफ आ जा, पार्किंग की साइड में वहीं पर जा रहा हूँ। तो एक काम करते हैं अपन लोग वहीं पे चलते हैं, और हैकर भी अपना काम निपटा के ना थोड़ा सा जो लेसन है शायद इसको दिया होगा तो ये भी गाइस बाहर की साइड आ जाएगा। बाकी हम लोग चलते हैं सीधा अपनी जी वैगन के पास, और डोर खुल जा यार, मेरे आते ही भाई बंद हो रहा है डोर। और सिक्योरिटी तो गाइस इस बंकर में ना ऐसी हो रखी है ना कि भाई परिंदा भी यहाँ पर नहीं मार सकता। तो एक काम करते हैं फटाफट से अपन लोग बाहर की साइड चलते हैं। वैसे मैं पहुँच ही गया हूँ, और यहाँ चल के ना अपनी पहले तो अपन लोग जी वैगन में बैठते हैं, और मैं काम करता हूँ ना इसको अपन लोग ना बाहर की साइड ही लेकर चलते हैं, हैकर आएगा तो मैं उसको बोल दूंगा। और हाँ एक चीज़ और मैं फटाफट से गाइस नीचे उतर के ना पहले कमांडो को बोल देता हूँ कि ये जो पुलिस की बाइक है ना इसको भाई पहुँचा देना। तो कमांडो सुन भाई, वो देख पीछे जो बाइक तेरे को नजर आ रही है ना पुलिस की, उसको तुझे यार पुलिस स्टेशन पहुँचा के आना है, तो तू या फिर तू किसी को भी भेज देना है यहाँ से, ठीक है? भले अभी मत जाए, अभी थोड़ी देर बाद तू होकर आ जाना। तो मैं एक काम करता हूँ, हम लोग ने उसको तो बोल दिया, तो हम लोग फटाफट से ना अपनी जी वैगन के अंदर बैठते हैं, और बहुत से भाई अपनी जी वैगन चला करना भाई एक अलग ही मज़ा आता है यार। इसको अपन लोग सीधा पहले बाहर की साइड निकालते हैं, और बाहर चल के ना भाई थोड़ा ड्राइव करते हैं इसको, तब तक हैकर भी आ ही जाएगा, और आराम से भाई गेट ओपन हो जा। बहुत सही भाई, भाई देख रहे हो क्या बढ़िया लगती है यार अपनी जी वैगन, कुछ भी बोलो यार अपनी जी वैगन एक नंबर है यार। ओके गाइस इधर तो मैं हैकर का यहाँ पे इंतजार ही कर रहा था, और वो देखो गाइस हैकर वहाँ से पीछे से चलता हुआ आ रहा है। अबे आ जा भाई हैकर, कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया तूने आने में। ओके तो हैकर कह रहा है ये लेसर का कोई ज़रूरी काम कर रहा था, चल ठीक है भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट ही कर लिया था। बाकी हैकर मेरे को कह रहा है भाई फटाफट से चल शोरूम पे, भाई चल ले यार, इतना ज़्यादा ये हैकर गाइस एक्साइटेड हो रखा है ना अपनी कार लेने के लिए। क्योंकि यार देखो इस पे ना कोई अपनी खुद की कार नहीं है, वैसे अपने पास देखो अब तीन तीन कार हो चुकी है यार। एक तो ये वाली अपने पास जी वैगन है, एक जेस्को जो काफ़ी टाइम से मेरे पास है, और एक है अपनी BMW। तो गाइस अपने पास तीन तीन कार हैं जो कि तीनों यार बुलेट प्रूफ है, पर उन सब में से ना ये जो जी वैगन है ना ये गाइस सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका ना गाइस एक एक पार्ट कस्टमाइज है, और हम लोग ने देखो इसको स्पेशल कस्टम बनवाया है। और जो अपनी BMW है वो तो गाइस अपने को प्रेसिडेंट ने गिफ्ट करी थी, और जो जेस्को है उसको मैंने गाइस ऑक्शन से काफ़ी टाइम पहले खरीदा था, वो भी जब मैं वाइस सिटी में रहता था, तब की बात है वो। तो कोई नहीं गाइस अपन लोग एक काम करते हैं फटाफट से गाइस हैकर को प्रेसिडेंट के शोरूम पर लेकर चलते हैं, और इसको ना एक बढ़िया सी कार दिलवाते हैं। ओके गाइस इधर तो हम लोग प्रेसिडेंट के शोरूम पर पहुँचने वाले हैं, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से अपनी कार को ना अंदर पार्किंग में चल के अपन लोग लगा देते हैं, और मैं इसको लगा देता हूँ इस साइड में। ओके बहुत सही, बे आराम से भाई इसको अपन लोग यहाँ पर पार्क कर देते हैं। और एक मिनट भाई, पीछे मुझे एक मर्सिडीज़ का यहाँ पे ट्रक जैसा नज़र आ रहा है भाई, हो सकता है डिलीवरी के लिए रखा। और भाई हैकर उधर की साइड कहाँ जा रहा है भाई तू? ओके तो हैकर सुन मेरी बात,
देख शोरूम पे, मुझे पता है तू देख पहली बार आ रहा है, तो अंदर देख जितनी भी कार खड़ी है ना उसमें से रोल्स रॉयस छोड़ के तू जैसे एक जोन सी भी कार लेना है तो बस मेरे को बता देना, ठीक है? अंदर देख काफ़ी सारी कार्स खड़ी हैं, ठीक है? तो तू एक काम कर, अंदर की साइड आ जा, कि तो हैकर अंदर आ जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं भी ना चल के अंदर फटाफट से जो है कार वगैरह देख लेता हूँ यहाँ पे आज कौन कौन सी कार्स आई हैं। एक मिनट का, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ नया स्टॉक आया है। ओके वहाँ तो देखो रेंज रोवर खड़ी है, और सामने देख रहे हो एक सुपरा खड़ी है यार, वो भी रेसिंग एडिशन की लग रही है मुझे। और पीछे की साइड कौन सी कार है? अबे लंबोर्गिनी यूरोस भी है भाई यहाँ पे, लंबोर्गिनी यूरोस है। और वहाँ देखो गाइस एक रोल्स रॉयस खड़ी हुई है। ये रोल्स रॉयस देखो हमेशा रहते हैं, क्योंकि देखो रोल्स रॉयस के जो भी खरीदता है ना भाई एकदम रिच बंदे इसको मोस्टली प्रीफर करते हैं खरीदना। और यहाँ पे कौन सी कार है? ओके एक मेबैक भी है भाई यहाँ पे। और हैकर भाई बाहर क्या कर रहा है यार, एक मिनट उसको बुला कर लाऊँ यार। ओके गाइस तो हैकर अंदर आ चुका है। तो देख हैकर यहाँ पे बहुत सारी कार्स हैं, इनमें से तुझे जो पसंद आ रही है ना वो मेरे को बता दे, या फिर तेरे दिमाग में भी अगर कोई कार है ना जो तुझे पसंद हो तो भाई बता दे, सीमन से मैं बोल के ना बात करके मंगवा दूंगा कार को। क्योंकि देखो इस शोरूम में ना काफ़ी सारी कार्स है जो कि चेंज होती रहती हैं, और प्रेजेंट ने मेरे को बोला था कि अपने पास ना पूरा फुल स्टॉक है ऑलमोस्ट सारी कार्स का। तो हैकर एक काम कर, थोड़ी देख ले, मैं तब तक सीमन से ना आराम से बातचीत कर लेता हूँ। ओके गाइस यार, तो हैकर को गाइस फाइनली एक कार पसंद आ चुकी है, और वो कार ना गाइस इस शोरूम पे तो फिलहाल अभी नहीं लगी है, पर वो अक्सर गाइस लगी रहती है, आप लोग ने देखा होगा। और वो कार है गाइस एक मस्टैंग। तो आप लोग को पता है भाई जो अपना हैकर है वो लेस्टर के साथ काफ़ी ज़्यादा रहता है, और इसने गाइस लेस्टर की जो कार है ना, तो लेस्टर पर भी गाइस एक मस्टैंग है, तो इसने गाइस लेस्टर की कार बहुत बार देखी है। तो इसने गाइस मेरे से भी डिमांड करी है कि एक मस्टैंग मैं इसको दिला दूं। तो मैंने गाइस इसको बोल दिया भाई मस्टैंग अपने को मिल जाएगी, और मैंने सीमन को भी बोल दिया भाई फटाफट से ना एक मस्टैंग को मंगवा दे। और वो ना गाइस जो मस्टैंग है ना जैसी लेस्टर के पास है वो वैसी वाली इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए जो क्लासिक मॉडल आता है उसका। तो मैंने भाई सीमन को बोल दिया, तो ये शायद अपने एम्प्लॉय को कॉल वगैरह कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे मस्टैंग आ जाती है अपने गोडाउन से सीमन मंगवा देता है, तब गाइस हैकर अपना यहाँ से लेकर चले जाएगा। तो बहुत से भाई हैकर, अब थोड़ा सा तू इंतज़ार कर, बाकी तू खुश है ना भाई? ओके तो हैकर करे भाई पहले मस्टैंग आस हो जाए, उसके बाद ये भाई बहुत ज्यादा खुश होने वाला है। बहुत सही भाई, तो इंतजार करते गए जब तक लेस्टर मस्टैंग मंगवाता है। तो अपना हैकर तो यार यहाँ से कार लेकर जा चुका है भाई अपनी मस्टैंग को लेकर, काफी बढ़िया है भाई उसकी मस्टैंग भी। तो मैं काम करता हूँ, मैं भी गाइस यहाँ से फटाफट से निकलता हूँ, और मुझे फिलहाल अभी कुछ काम ऐसा खास है नहीं, तो मैं काम करूंगा ना गाइस मैं अपने मेंशन पे चलते हैं। वहाँ पे गाइस अपने कमांडो भी लगे हैं, वैसे अपने तो नहीं है प्रेसिडेंट के कमांडो हैं, पर भाई प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दे रखे कमांडो को भाई मेरे घर पे 24 घंटे नजर रखें। और एक कमांडो तो गाइस मेरे पीछे पीछे आ रहा था गाइस, पर मैंने ना उसको देखो मना कर दिया। मैंने बोला भाई अपने को फिलहाल अभी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ यार। बाकी जो डेविड है ना गाइज, हम लोग को उससे भी गाइज बदला लेना, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि मेरे जो वाई सिटी से एक दोस्त आया था ना, उसको गाइज डेविड ने मेरी आंखों के सामने गाइज मार दिया था। पर मैं गाइज प्रेसिडेंट की वजह से फिलहाल अभी चुप हूँ, क्योंकि यार देखो प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला है ना वो फिलहाल अभी किसी काम में फंसे हुए हैं, तो जैसे गाइज उनका बोला काम खत्म हो जाता है ना, उसके बाद गाइज हम लोग डेविड का कुछ ना कुछ करने वाले हैं। क्योंकि प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला कि अभी फिलहाल शांत रहो और थोड़ा बच के रहो उससे, क्योंकि यार देखो उसके पास ना जो सिक्योरिटी वाले ना मैरी वेदर के, वो वैसे तो देखो कुछ नहीं कर सकते हम लोग का, पर यार फिर भी देखो क्योंकि वो लॉस सेंटोस का ना एकदम रिच बंदा है, और वो कभी भी ना किसी को भी खरीद सकता है। तो अपने को थोड़ा सा भी कुछ टाइम के लिए शांत रहना है, बाकी मैं काम को तो इस वाली जीवगन को भगाता हूँ और चलता हूँ गाइस अपने घर पे।
ओके गाइस, यार तुम्हें फिलहाल अभी अपने घर पे जा ही रहा था और अचानक से मेरे पे ट्रेवर का कॉल आया और उसने मेरे को फटाफट से मिलने के लिए बुलाया। मुझे नहीं पता गाइस उसको क्या काम है यार। एक तो ना देखो, ट्रेवर पता नहीं एकदम से जब भी बुलाता है ना तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई ऐसा क्या काम होगा कि उसने बुलाया है। क्योंकि देखो, जब भी ट्रेवर मेरे को कॉल करता है ना तो या तो वो किसी ना किसी लफड़े में फंसा हुआ होता है या फिर कुछ ना कुछ कांड करके बैठा होता है यार। तो मैं काम को तो फटाफट से गाइस अपनी जीवन को भगाते हैं। और भाई कितना ट्रैफिक हो रहा है लॉस सैंटोस में यार। एक काम करते हैं, यहाँ से अपन लोग शॉर्टकट लेते हैं और मेरे को गाइस अभी जाना है सैंडी चोर्स की तरफ, क्योंकि ट्रेवर फिलहाल अभी वहीं पे ही है। बस यार उसने कुछ लफड़ा ना कर दिया यार, क्योंकि पिछली बार आप लोग को याद होगा ट्रेवर ने जब मेरे को बुलाया था ना तो भाई उसने एक क्लब में ना काफी ज्यादा हंगामा कर दिया था। और मैं यहाँ से कहाँ से आ रहा हूँ भाई, मेरे को उस साइड से जाना है। भाई मैं अभी फाइनवुड की तरफ जा रहा हूँ पर मेरे को जाना है सैंडी चोर्स की तरफ। तो एक काम करते हैं, अपनी जीवन को भगाते हैं और चलते हैं यार। अब देखते हैं ट्रेवर ने भाई क्या कांड किया है इस बार। ओके गाइस, यार तो मैं सैंडी चोर्स पहुंच चुका हूँ और ट्रेवर ने गाइस मुझे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इसको अपन लोग भगाते हैं जी वैगन को। और यहाँ पे गाइस ट्रेवर का कौन सा वाला घर है, एक मिनट, ये तो ट्रेवर का शायद पुराना कोई घर है। यहाँ पे फिलहाल भी ट्रेवर रहता नहीं। और वो देखो गाइस सामने से मुझे देखो दुबई किंग का यहाँ पे मेंशन भी नजर आ रहा है। भाई देख रहे हो ऐसी जगह पे है ना भाई, किसी को भी इसका मेंशन नाम से नजर आ जाएगा। बाकी ये रहा गाइस ट्रेवर का नया घर जो कि ट्रेवर ने कुछ टाइम पहले ही बनवाया यार। यहाँ पे तो गाइस मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, पता नहीं मुझे उसके घर पे क्यों बुलाया यार, कहीं बार पे ही बुला लेता। एक काम करता हूँ, मैं अपनी कार को फिलहाल यहीं पे लगा देते हैं। अपन लोग पार्किंग पे तो मैं गैराज के अंदर भी लेकर जा सकता हूँ पर अपन लोग बाहर ही लगा देते हैं। और एकदम खाली खाली सा क्यों लग रहा है भाई ये घर। वो देखो गाइस सैंडी चोर के लोग ना भाई, भाई ट्रेवल ने पता नहीं किस किस को रख रखा है यार अपने घर पे। एक काम करते हैं ऊपर की साइड चलते हैं और ये देखो गाइस ये खड़ा है यहाँ पे ट्रेवर पे। भाई दिन में शुरू हो गया भाई ये तो। और भाई ट्रेवर क्या हो गया, तूने मुझे अचानक से क्यों बुलाया यार यहाँ पे। ओके गाइस, तो मेरी ट्रेवर से यहाँ पे फाइनली बातचीत हो चुकी है और ट्रेवर ने गाइस मुझे यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बुलाया था। और वो इन्फॉर्मेशन ये है ना कि ट्रेवर को पता चला है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर है यानी कि जो डेविड है उसका गाइस गोल्ड ना यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रहा है वो। तो ट्रेवर मेरे से कह रहा ना कि हम लोग उस गोल्ड को चलकर ना चोरी कर लेते हैं। अबे भाई ट्रेवर एक बार फिर से तू सोच ले, क्योंकि देख प्रेसिडेंट ने अपने को मना किया कोई भी ऐसा अकेले काम करने के लिए। तो मेरी बात मान, एक काम करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट को बता देते हैं भाई पहले। ओके तो ट्रेवर कह रहा है भाई प्रेसिडेंट को बताने की जरूरत नहीं है, अपने दोनों ही वाला काम कर देते हैं। और ट्रेवर मेरे को कह रहा है कि भाई उसका वैसे भी दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि आप लोग को याद होगा कि जो डेविड है ना उसने गाइस ट्रेवर की जो डिफेंडर है ना उसको ब्लास्ट कर दिया। और ट्रेवर तो भाई अपनी कार से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो भाई ट्रेवर कह रहा है भाई एक काम करते हैं, देख डेविड से हमें बदला तो लेना ही है तो हम लोग एक काम करते हैं उसका गोल्ड चोरी करके ले आते हैं। अबे देख भाई ट्रेवर, देख मुझे भी उससे बदला लेना है। वैसे तू बात तो एकदम सही कह रहा है यार, उसका गोल्ड आ रहा है। क्योंकि देखो हम लोग ने ना अभी तक गाइस हमने सिर्फ उसके मेंशन पे एक बार ही हम लोग ने अटैक किया है और उसके बाद से ना हम लोग ने उससे कोई भी ऐसा पंगा नहीं लिया, वही गाइस हमसे पंगा लेने में लगा हुआ है। तो हम लोग क्यों ना एक काम करें। तो ट्रेवर देख सुन, एक काम करते हैं ना, जहाँ से भी गोल्ड आ रहा है ना उसकी तेरे को लोकेशन तो पता ही होगी ना, जल्दी से रुको तो उसकी लोकेशन बता पहले। ओके तो ट्रेवर कह रहा है भाई उसकी लोकेशन इसे नहीं पता है, बस इतना पता है कि कहीं से गोल्ड वो कहीं पहुँचवा रहा है। अबे भाई ट्रेवर तुझे लोकेशन तक तो पता नहीं है, तो लोकेशन तो देख लेस्टर हमें निकाल कर दे देगा, बाकी देख प्रेजेंट को तो पता चलने ही वाला है। तो ट्रेवर कह रहा है भाई कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट को पता चल जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी चल ठीक है यार, फिर मैं एक काम करता हूँ या फिर तू भी चल रहा है मेरे साथ। ओके तो ट्रेवर कह रहा है वो नीचे आ रहा है, तू एक काम कर गाड़ी निकाल। ठीक है मैं भी नीचे की साइड चलते हैं। भाई भाई रास्ता कहाँ से, यहाँ से गई रास्ता है। बाकी ट्रेवर ने भी कहीं बोला मैंशन बड़ा सही खरीद रखा यार, देख रहे हो भाई क्या बढ़िया लोकेशन पे लिया यार इसने वाला मेंशन। और ये नीचे देखो भाई, अब यार सैंडी शोर्स के लोग ना ट्रेवर को यहाँ पे आने इसलिए देता है क्योंकि सैंडी शोर्स के लोग हैं यार। चलो कोई नहीं, और भूत कुछ वहां तक है भाई इसका मेंशन। एक काम करते हैं यार अपन लोग छोड़ो मेंशन, अपन लोग तो क्या देख रहे हैं, वैसे मेंशन तो नहीं घर बोलेंगे इसको। तो फटाफट से अपन लोग नीचे की साइड चलते हैं और मैं ना गाड़ी निकालता हूँ, ट्रेवर भी ऊपर से बस आ ही रहा होगा। बाकी गैराज भी देख रहे हो क्या बढ़िया गैराज है यार इसका, भाई क्या बढ़िया गैराज। और एक मिनट भाई, अबे ट्रेवर कितना खटार से ट्रक लेकर घूम रहा है भाई। तो मुझे लग रहा है ना ये ट्रेवर का काफ़ी पुराना ट्रक है जो ट्रेवर अब चला रहा है भाई। देख रहे हो जब उसकी कार, जो नई कार उसने खरीदी थी डिफेंडर, वो ब्लास्ट हो गई ना तो गाइस पुरानी चीज़ें ही काम आती है यार। तभी अपने को ना जितनी भी कारें या जो भी हैं वो सब ना रखनी चाहिए भाई। काम करते हैं फटाफट से बाहर चलते हैं। ट्रेवर भाई कितना टाइम लगा रहा है आने में, जल्दी आ जा भाई। ओके गाइस तो फाइनली यार ट्रेवर यहाँ पर आ चुका है। आ जा भाई ट्रेवर फटाफट से मेरी कार में बैठ। वैसे ट्रेवर कह रहा है भाई तेरी कार बढ़िया है भाई, मुझे पता है यार बढ़िया कार है। और इसी कार के चक्कर में देख पंगा हुआ है ये मत भूलियो। अरे भाई तो एक काम करते हैं फटाफट से ना अपन लोग चलते हैं पहले हाईटेक बंकर में, या फिर मैं काम करता हूँ ना साइड में रुक कर ना मैं लेस्टर को ना कॉल पे ही बता देता हूँ, क्योंकि फिर यार बंकर में जाएं फिर हम लोग वहाँ जाएंगे तो ना उसमें थोड़ा सा अपने को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं काम करता हूँ यहाँ पे गाड़ी को लगाता हूँ साइड में
और पहले ना मैं लेस्टर को कॉल करके ना पहले ही बता देता हूँ यार ऐसा। ठीक है ड्राइवर, तो मैं लेस्टर को कॉल कर रहा हूँ, तू गाड़ी में ही बैठे रहता, पर चल ठीक है यार, खड़े हो गया। ओके गाइस, तो मेरी लेस्टर से यहाँ पर बातचीत हो चुकी है और लेस्टर कह रहे भाई तुम ये काम जो करने वाले हो ना, ये काम एकदम संभल के करना। और लेस्टर भी गाइस इस काम में ना हमारे देखो मदद करने वाला है, तो लेस्टर कह रहा है उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो लोकेशन ट्रैक करके ना हमें थोड़ी देर में बस कॉल करके बता देगा। बाकी लेस्टर भी गाइस देखो डेविड से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि यार देखो उसने काम ही ऐसा किया यार, मतलब मुझे किडनैप किया, ट्रेवर की कार उड़ा दी और हॉस्पिटल पर हमला भी किया। हद भाई देख रहे हो, बस उसने ना अभी तक प्रेसिडेंट पर हमला नहीं किया, क्योंकि यार देखो प्रेसिडेंट और वो काफ़ी पुराने दोस्त थे, पर अब गाइस वो दोस्त नहीं है। और उसकी दुश्मनी देखो मेरे से और ट्रेवर से है मेनली, क्योंकि हम ही दोनों ने गाइस उससे पंगा स्टार्ट किया था। बाकी देखते हैं यार लेस्टर हमें कब बताता है। तो ट्रेवर देख, लेस्टर हमें ना थोड़ी बहुत देर में कॉल करके ना उसकी लोकेशन बता देगा। तो एक काम कर, फटाफट से कार में बैठ और अपन लोग एक काम करते हैं ना, सिटी की साइड ही चलते, क्योंकि वो मेरे हिसाब से ना सिटी की साइड ही कहीं पे गोल्ड वगैरह अपना जो है वहां से निकलवाएगा। तो जहां से वो निकलवाने वाला है ना, हम लोग सीधा गाइस रस्ते में ना उस ट्रक को चोरी कर लेंगे। वैसे वो ट्रक में देखो गोल्ड वगैरह अपना इधर उधर शिफ्ट करवाएगा और उसी ट्रक को ना हम लोग चोरी करने वाले हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस वाली जी वैगन को भगाता हूँ और सीधा चलते हैं हम लोग सिटी की साइड, क्योंकि मेरे हिसाब से ना उस सिटी में ही उसका कहीं ना कहीं बेस है, जहाँ भी उसका अड्डा होगा ना उस सिटी की साइड ही होने वाला है। ओके गाइस, तो ट्रेवर और मैं गाइस अभी सिटी की साइड जा ही रहे थे और मेरे पे गाइस लेस्टर का कॉल आया और उसने गाइस लोकेशन तो ट्रैक करी है, पर उसका जो मेन बेस है ना जहाँ पे उसने गोल्ड रखा है उसकी लोकेशन तो वो ट्रैक नहीं कर पाया। पर देखो उसने ना कुछ बंदे जो उसकी सिक्योरिटी वाले ना उनकी लोकेशन ट्रैक करी है और वो फिलहाल ना अभी टकीलाला वाले बार में बैठे हुए हैं। तो हमें क्या करना है, वो जो बंदे हैं ना उनका हमें पीछा करना है और वो लोग शायद एक ट्रक लेकर जाएंगे, क्योंकि लेस्टर ने मेरे को बताया कि उस बार के आगे ना एक बड़ा सा ट्रक भी खड़ा हुआ है। तो अपने को क्या करना है, उन पे ना नज़र रखनी है और देखते हैं गाइस वो लोग कहाँ उस ट्रक को लेकर जाते हैं। और एक मिनट भाई, मैं रॉन्ग साइड से कहाँ आ गया यार। मैं काम करता हूँ, फटाफट से इस वाली यहाँ से कट ले लेता हूँ और सीधा चलते हैं। और एक मिनट भाई, ये ड्राइवर भाई गेट भी नहीं लगाता है भाई, गेट ओके लग गया भाई गेट अपने आप ही। तो टकीला बार यहाँ से ज़्यादा दूर पर नहीं है, आप लोग सीधा ना वहीं पर चलते हैं और चल के ना उन बंदों पर गाइस नज़र रखते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अपनी जी वैगन को भगाते भगाते गाइस उस वाले बार पर पहुंचने वाले हैं और यहीं कहीं आसपास ही गाइस वो बार है। वैसे मेरा घर भी देखो यहाँ पास में ही है, घर के आसपास ही है। एक काम करते हैं, इसको आप लोग जी वैगन को फटाफट से भगाते हैं। और भाई ट्रैफिक कितना ज़्यादा हो रहा है यार लॉस एंजेलिस में। ओके, तो ये रहा गाइस वो वाला बार। और एक मिनट गाइस, वो देखो पीछे की साइड, वो देखो पार्किंग में दिख रहा है तुम लोग को, मुझे एक बड़ा सा यहाँ पे ट्रक नज़र आ रहा है और पार्किंग में सिर्फ यही है। तो मैं एक काम करता हूँ ना अपनी जी वैगन को, यार मैं यहाँ पे गाइस इसको पार्क नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ और को इसको मैं यहाँ पीछे की साइड लगा देता हूँ, क्योंकि देखो उसकी जो सिक्योरिटी वाले हैं ना वो इस जी वैगन को भाई बिल्कुल पहचानते हैं। एक काम करता हूँ मैं ना इसको यहाँ पे, कोई छोटी सी पार्किंग जैसी लग रही है, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और ट्रेवर आ जा भाई फटाफट से अंदर, बाहर पे चलते हैं और उन पर ना नज़र रखनी अपने को सीधा, ठीक है ना, नज़र रखनी, कोई भी लफड़ा नहीं करना। उन्होंने गन वगैरह निकाली ना, तो भाई देखिए जो प्लान तूने बनाया है ना, जो मुझे तूने प्लान समझाया है भाई, वो अपना वर्क करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आ जा फटाफट से अपन लोग चलते हैं, ट्रेवर भी आ रहा है पीछे पीछे। बस यार ट्रेवर ना कुछ पंगा ना करते, क्योंकि आप लोग को इसका पता ही है, ये जैसे ही उसके बंदे देखता है ना भाई सीधा मारना स्टार्ट कर देता है। क्या बोलते हैं, फटाफट से चलते हैं। और ट्रेवर भाई कहाँ रह गया, वो देखो भाई कितनी आराम आराम से आ रहा है यार, हद है। मैं काम करता हूँ, मैं ना अंदर की साइड जाता हूँ, ट्रेवर अपना आता रहेगा, मेरे को पहले उन्हें देखना है कि वो लोग आखिर वहाँ पे कर के आ रहे हैं। वैसे ड्रिंक वगैरह ही कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। यार मेरे को ना नीचे की साइड नहीं जाना है, लेस्टर ने मेरे को बोला था वो नीचे की साइड है, तो मेरे को ओके मैं ऊपर की साइड ही आया हूँ यार। तो यहाँ पे देख रहे हो दिन में भी कितने सारे लोग रहते हैं यार भाई, बहुत लोग रहते हैं दिन में भी। और एक मिनट गाइस, मुझे यहाँ पे कोई नजर तो आ नहीं रहा, नीचे की साइड भी नहीं आ रहा मुझे कोई नजर। एक मिनट यार, अपने को नीचे जाके देखना पड़ेगा वो लोग हैं भी कि नहीं है यहाँ पर। ये फटाफट से गाइस अपन लोग नीचे की साइड चलते हैं। एक मिनट, मैं फटाफट से यहाँ। अबे यार ये देखो बारटेंडर भी पीछे, और तुम लोग पीछे गाइस नजर डाल लो, मैं एक मिनट तुम लोग को दिखाता हूँ। एक मिनट, अबे भाई ट्रेवर थोड़ा कवर में रह ले, वो देखो गाइस दिख रहा है तुम लोग को सामने, वो देखो। एक मिनट फटाफट से गाइस फोन निकाल के आप लोग को दिखाता हूँ, वो देखो सामने, देखो उसका सिक्योरिटी वाला एक यहाँ पर खड़ा है और एक देखो उसके बगल में जस्ट खड़ा हुआ है। तो उन लोग ने गाइस अपने को फिलहाल अभी देखा नहीं है। तो भाई ट्रेवर तू यहाँ कैसे खड़ा हुआ है, ऊपर की साइड चल फटाफट से, आ जा ऊपर, आ जा फटाफट से। भाई ट्रेवर दिख रहा है उनके बिल्कुल मुंह के सामने खड़ा हुआ है। तो ट्रेवर यहाँ पर आ जा, मैं ऊपर से ना उन पर नजर रखता हूँ, वो देखो गाइस मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं, वो देखो दिख रहे गाइस तुम लोग को। तो भाई ड्रिंक वगैरह कर रहे दिन में आकर, एक काम करता हूँ मैं थोड़ी देर यहीं पर रहता हूँ। और वो देखो ट्रेवर भी यहाँ पर आ चुका है। और ट्रेवर देख यहाँ पर ना, तू ड्रिंक करना स्टार्ट मत कर देना यार, कि हम लोग ड्रिंक करने के लिए नहीं आए, हम लोग को सिर्फ उन पे नजर रखनी है, ठीक है ना।
ओके गाइस, तो मैं गाइस उन बंदों पे नजर रख ही रहा था और मेरे पे अचानक से लेस्टर का कॉल आया और वो मुझे कह रहे कि उन बंदों को छोड़ो, फटाफट से ट्रक की साइड जाऊं। भाई ड्राइवर अपने को ट्रक की साइड जाने, तो लेस्टर मुझे कह रहे कि वहां पे ना एक बंदा और है इसका सिक्योरिटी वाला जो शायद ट्रक के अंदर ही बैठा हुआ था। और वो देखो गाइस सामने से मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ना ये ट्रक में दो तीन बंदे आए होंगे और ये लोग अंदर पार्टी कर रहे होंगे। और वो बंदा देखो ट्रक की वहां बाहर रखवाली कर रहा है। भाई मुझे लग रहा है ट्रक लेकर यहाँ से जाने वाला है, तो लेस्टर मुझे कह रहा है मैं इन्हीं पे नजर रखो, यहाँ देख रहे हो बी वेयर सिक्योरिटी कैमराज लगे हुए, तो यही कैमरा जो है लेस्टर हैक करके हमें बता देता है। देखो एक कैमरा मुझे वहां नजर आ रहा है और यहाँ पार्किंग में भी कई कैमरे लगे हुए हैं। तो ट्रेवर देख सामने, तो जब वो बंदा दिख रहा है ना हमें सिर्फ उस पर नजर रखनी है, ठीक है ना, उसको मारना स्टार्ट मत कर देना। तो ट्रेवर भाई पता नहीं आज मेरी बातें सारी की सारी कैसे मान रहा है, मुझे खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है कि ट्रेवर मेरी बातें मान रहा है सारी। ओके तो एक काम करते हो उस पर जब लोगों को नजर रखते हो, शायद फोन पे किसी से बातचीत कर रहा है। ओके गाइस, तो वो बंदा देखो ट्रक की साइड जा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से जाने वाले, आजा ट्रेवर फटाफट से अपन लोग को अपनी कार में बैठना पड़ेगा। ओके तो वो ट्रक में बैठ चुका है यार, आजा आजा भाई ट्रेवर फटाफट से आजा। मैं काम करता हूँ फटाफट से अपनी जी वैगन को निकालते हैं और उसका ना मैं डिस्टेंस में पीछा करने वाला हूँ। पता नहीं ट्रक को लेकर कहाँ जाने वाले यार, बस इसी ट्रक में गाइस गोल्ड भरा हुआ हो ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है इस ट्रक में गोल्ड है, ये ट्रक ना ये लोग शायद उसी लोकेशन पर लेकर जाने वाले हैं गोल्ड जहाँ से भरने वाला है। आजा आजा भाई ट्रेवर फटाफट से बैठ। पर एक मिनट, मुझे गाइस ट्रक अभी भी वहाँ पर नजर आ रहा है। आजा भाई आजा ट्रेवर, मैं काम करता हूँ अपनी कार को ना यहीं पर रहने देता हूँ कि अपने को ट्रक वहाँ से दिख रहा है, जैसे वहाँ से लेकर जाएगा ना तुरंत मैं भी गाइस उसी टाइम मैं अपनी कार उसके पीछे लगा लूँगा। ओके गाइस इधर तो फाइनली मुझे लग रहा है वो ट्रक को लेकर यहाँ से जा रहा है, वो देखो बैक कर रहा है। मैं काम करता हूँ मैं अभी ना फिलहाल यहीं पे रहता हूँ और देखता हूँ किस साइड लेकर जा रहा है, इधर जा रहा है या मतलब लेफ्ट जा रहा है कि राइट जा रहा है। एक मिनट, अबे भाई मैं कार को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, एक मिनट पीछे लेकर जाओ। और क्या हो गया भाई, ट्रैफिक में फंस गया क्या? अबे भाई लॉस सैंटोस के लोग देख रहे हो क्या? कहा था ट्रैफिक भाई, उसको अपना ट्रक पीछा करना पड़ा। बहुत सही, ये लेकर जा रहा है, मैं भी काम करता हूँ इसके पीछे लगाता हूँ ट्रक को। भाई क्या स्पीड में लेकर जा रहा है यार। एक काम करता हूँ भाई जैसे जैसे गाइस इसका पीछा करते हैं अपन लोग, भाई देख रहे हो कितनी स्पीड में गाइस इस ट्रक को ये लेकर जा रहा है। फिर मैंने कहा इसे काम करते थोड़ा सा ना अपन लोग डिस्टेंस बना के रखते हैं और ये सिटी की साइड लेकर जा रहा है। एक मिनट, भाई देख रहे हो इतना ट्रैफिक है कि इस ट्रक को भी रुकना पड़ रहा है बार बार। एक काम करते गाइस इसका अपन लोग पीछा करते हैं और एक मिनट, बहुत सही, मैं इतनी डिस्टेंस पे गाइस अपना बना कर रखता हूँ। बहुत सही गाइस देख रहे हो कहाँ सिटी की तरफ जा रहा है। एक मिनट, स्लो कर लिया अपना ट्रक। भाई देख रहे हो रेड लाइट तोड़ता हो जा रहा है। एक मिनट, ये पीछे की साइड आ रहा है। अबे भाई भाई कैसे ट्रक चला रहा है यार, वो देखा तुम लोगों ने? ओके गाइस, तो हम लोग उस ट्रक का पीछा करते करते गाइस काफी ज्यादा दूर तक आ चुके और ये बंदा ना इतनी स्पीड में गाइस ट्रक चला रहा है ना, भाई क्या ही पूछूं। मुझे लग रहा है इसके पास ना कॉल आ गया होगा। एक मिनट गाइस, यार ये तो मैरी वेदर का बेस है ना। अबे यार ये ट्रक को गाइस मैरी वेदर के बेस के अंदर लेकर जा रहा है। यार मैं गाइस इनके मेन बेस के अंदर तो ऐसे घुस ही नहीं सकता। एक काम करता हूँ, मैंने गाइस इसका पीछा करते हैं और वो देखो गाइस अंदर ही लेकर जा रहा है। मैंने एक काम करता हूँ, देख ट्रेवर सुन मेरी बात सुन, मैंने देख अभी फिलहाल कार को यहाँ पर लगाता हूँ और देख हमें देख उसकी लोकेशन तो देख पता चल चुकी है, ठीक है। उसने अपने बेस पे ही जो है मैरी वेदर का जो बेस है ना उसके अंदर ही देख सारा गोल्ड अपना छुपा कर रखा हुआ है, जो भी शायद ये बाहर पहुँचाने वाले। और भाई ट्रेवर इधर रूम है, तो देख एक काम करते हैं अंदर हम लोग जाते हैं और देख तू बंदे निपटाना, मैं भी थोड़ी बहुत बंदे मारूंगा और मैं देख वहाँ से ट्रक लेकर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो तू एक काम करना वहाँ से सीधा बाहर आना और मेरी जी वैगन उठाना और सीधा मेरे पीछे पीछे आ जाना, ठीक है ना। उनसे देख तुझे ज़्यादा कुछ लड़ने की ज़रूरत है नहीं, मुझे पता है गुस्सा मत कर। मुझे पता है कि देख उन लोगों ने तेरी कार ब्लास्ट करी है, पर देख इतना ज़्यादा गुस्सा मत कर यार। देख अपने को ना देख उनका गोल्ड मेन चुराना है, ठीक है। अगर हम लोग उनका गोल्ड चुरा लेंगे तो देख इसमें देख फ़ायदा अपना भी है और प्लस उसको देख नुकसान भी होगा और वो हम लोग से और ज़्यादा चिढ़ेगा। देख अपने को यही तो चाहिए। और एक मिनट भाई मैं साइड में खड़े हो जाता हूँ, आजा भाई ट्रेवर साइड में आ जाए, यहाँ पे अपने को कोई और पंगा नहीं चाहिए। तो ठीक है ना, तुमने देखो प्लान तो समझ लिया ना। ओके गाइस, तो ट्रेवर को तो मैंने देखो समझा दिया और ट्रेवर ने गाइस गन भी निकाली, मैं भी काम करता हूँ फटाफट से गन निकाल लेता। और कितने ट्रक जा रहे हैं भाई यहाँ से, आ जा ट्रेवर भी मेरे पीछे पीछे आ जा तू। वैसे ट्रेवर ने तो गाइस देखो मेरी वजह से बहुत पहले इसका पंगा ऑलरेडी काफ़ी बार हो चुका है। और ट्रेवर भाई कहाँ रह गया यार, ये बड़ी आराम आराम से आ रहा है। और एक मिनट, अबे यार मुझे लगा मैरी वेदर का बंदा यहीं पे क्यों आ रहा है, पर ये तो गाइस नॉर्मल यहाँ पे वर्कर वगैरह है। ओके तो वो देखो इस ट्रक को ना वो अंदर लेकर जा चुका है। मैं काम करता हूँ फटाफट से थोड़ा आगे जाता हूँ ट्रेवर के आने से पहले ना, मैं गाइस आगे थोड़ा सा नज़र डालूँ क्योंकि मुझे पता है भाई ट्रेवर यहाँ आने के बाद ना क्या करने वाला है। ओके तो यहाँ पे मुझे सामने कुछ बंदे मुझे नज़र आ रहे हैं,
एक काम होता, फटाफट से मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ। एक मिनट भाई, कैमरा इसका ओके। तो वो देखो इस एंट्री पे मुझे सिक्योरिटी वाला बंदा नज़र आ रहा है, पर एक मिनट भाई थोड़ा सा आप लोग इधर जाए। वो देखो एक बंदा यहाँ पे राउंड अप पे है, और ये सबमरीन है क्या एकदम ठीक सामने? भाई सबमरीन भी इन लोगों ने रख रखी है। और एक मिनट गाइस, एक मिनट, मुझे ना यहाँ पे एक ट्रक नज़र आ रहा है। वो देखो रेड कलर का ट्रक जो था, वो कोई ट्रेवर भाई, वो देख सामने तुझे ट्रक नज़र आ रहा है ना, वो वाला उसी के अंदर है। और वो देखो यार ट्रेवर थोड़ा यहाँ पे इंतज़ार तो कर लेता। हद दे भाई, ट्रेवर ने सीधा गोली चला दी। अब तो भाई अपने को मारना ही पड़ेगा। चल आ जा भाई ट्रेवर, सीधा अंदर चलते हैं, छुप मत, अब सीधा अंदर आ जा। वो देखो सीधा गए जो गेट पे था ना, सीधा उसी को गोली मारी। और एक मिनट भाई, निकल यहाँ से भाई। ट्रेवर क्या पीछे से गोली चला रहा है, तू मार ही तो, निकल यहाँ से। कहाँ मेरी तरह भागते पा रहे हो? ओहे भाई बहुत बंदे हैं, बहुत बंदे। ट्रेवर थोड़ा पीछे रह के, तू मार ही तो, निकल यहाँ से। मैं एक काम करता हूँ, मेरे पे ना हाईटेक वेपन भी है, तो फटाफट से ना मतलब उसको निकालते हैं। निकलो यहाँ से, निकलो तुम्हारी ऐसी कितने ऐसी। भाई देख रहे हो इतने सारे बंदे आ रखे हैं। अभी भी मेरे को कवर में रहना पड़ेगा थोड़ा सा। और ट्रेवर कहाँ गया भाई? भाई मुझे लग रहा है ट्रेवर उनके बेस में घुस गया, उनको पीछे की साइड जा रहे हो उसे मारने के लिए। एक मिनट भाई, भाई 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 थोड़ा सा पीछे की साइड चलो भाई। ट्रेवर देख रहे हो सीधा अंदर घुस गया। और एक मिनट, आ जाओ उधर थोड़ी हूँ मैं, आ जाओ किधर क्या हो तुम्हारी तो। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से भाई तुम्हारी। वो देखो गाइस पीछे मुझे लग रहा है ट्रेवर को लोग मार दे रहे। एक मिनट, अबे भाई ये पीछे से कहाँ से आ गया? निकल तू भी निकल। और एक वो देखो गाइस वो लड़ रहा है भाई ट्रेवर, आ जाओ बेटा पीछे से आओ, निकल यहाँ से तू भी निकल। और एक मिनट भाई, क्या वो देखो गाइस, निकल कहाँ कवर लेकर मार रहे हैं। हफ्ते भाई हम लोग यहाँ खुले में लड़ रहे हो, ले लो कवर ले लेके मार रहे हैं इसकी तो। वहाँ पे गए देखो ट्रेवर निपटाने में लगा। मैं एक काम होता हूँ, पीछे वाले बंदों को निपटाता हूँ। निकल जा भाई, उठ मत दोबारा। एक मिनट मुझे यहाँ से, अबे निकल जा भाई, निकल जा यहाँ से। ओके एक काम करते हैं फटाफट से, जब अंदर जाने का टाइम अगर एक मिनट भाई तेरी तो, निकल यहाँ से। अरे भाई कहाँ से मार रहे हो? निकलो भाई तुम्हारी। भाई देख रहे हो पीछे से लोग और बंदे आ रहे हैं। ट्रेवर आ जा भाई फटाफट से, अपन लोग अंदर की साइड चलते हैं। निकल यहाँ से, अबे भाई निकल यहाँ से। भाई ट्रेवर ने भी कहा देखो कितने सारे बंदे यहाँ पे निपटा दिए, बहुत सही। फटाफट से अंदर चलते हैं, बहुत ज़्यादा बंदे नहीं बचे। हमने ऑलमोस्ट देखो सबको मार दिया यार यहाँ पे, जो भी शायद गोल्ड वगैरह निकलवा रहे थे। निकल यहाँ से। वो देखो ट्रेवर ने गए पीछे से, उसको पहले ही निपटा दिया। ओके तो अब गए अपनी बारी आ चुकी है अंदर जाने की, और मुझे यहाँ पे गए दो दो ट्रक नज़र आ रहे हैं। एक मिनट गए, तो आप लोग फटाफट से इस ट्रक के पास चलते हैं। और तू मार ही तो भाई, देखो गोल्ड यहाँ पे शिफ्टिंग। एक मिनट गए, मुझे क्या लग रहा है ना भाई, ट्रेवर मेरे को कह रहा था। और एक मिनट, अबे भाई कहाँ कहाँ से आ रहे हैं लोग। एक बंदा और मैंने आते हुए देखा था भागते हुए, पता नहीं भाई कहाँ छुप गया वो। बाकी ट्रेवर कहाँ है? ओके देखो ट्रेवर मुझे लग रहा है बाहर की साइड नज़र रख रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अबे निकल भाई यहाँ से। तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे गोल्ड जो है यहाँ से जा नहीं रहा है, गोल्ड बाहर से यहाँ पर आया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और ये ट्रक के अंदर मुझे लग रहा है इन लोगों ने गोल्ड इस वाले के अंदर तो भर दिया, और ये तो अभी अभी आया है। मैं काम करता हूँ फटाफट से ना, मैं ट्रक के अंदर बैठता हूँ। और एक मिनट भाई, पहले एक काम करो, ट्रक को छोड़ो, पहले मैं ट्रेवर को तो बुला दूँ भाई अंदर, कि ट्रेवर को फटाफट से अपन लोग बुलाते और उसे बता दूँ यार। एक मिनट के यहाँ मुझे एक बंदा लग रहा है कि कोई तो है भाई अंदर, आवाज़ें आ रही हैं पीछे से। ओके गाइस तो ट्रेवर फाइनली अंदर आ चुका है। तो ट्रेवर देख सुन, अपन लोग ने देख सारे बंदों को तो निपटा दिया, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ट्रक लेकर जा रहा हूँ, और तू भी ना बाहर जो जी वैगन खड़ी है उसको यहाँ से लेकर चले जा, ठीक है ना? और एक मिनट, निकल यहाँ से भाई। देख रहे हो बंदा वहाँ पे कॉल करके बुला रहा था। तो ट्रेवर देख तू इनसे लड़, मैं काम करता हूँ यहाँ से ट्रक लेकर निकलता हूँ तुम्हारी। एक मिनट यार, ये लोग देखो पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पीछे ना एक और शिप आई है, और उसके अंदर ये लोग आए हैं बैठ के। अब तो मैं एक काम करता हूँ, ट्रक को निकालता हूँ। एक मिनट भाई, ओबे भाई कितने सारे बंदे यहाँ पे। एक मिनट यार, अबे भाई वो देखो ट्रेवर वहाँ से कवर लेकर मार रहे हैं। निकल यहाँ से, मैं काम करता हूँ गाइस, यहाँ से मैं फटाफट से ट्रक लेकर जाता हूँ, और ट्रेवर भाई मेरे साथ साथ आ ही जाएगा मुझे लगता है। बस यार ट्रक कैसे भी कर मैं सही सलामत यहाँ से लेकर चले जाऊँ, बहुत सही। फटाफट से गाइस आप लोग आगे चलते हैं। और ट्रेवर सुन भाई, मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ ट्रक, तू भी एक काम कर। वो देखो इतने सारे बंदे भाई, मैं काम कर दो चार को यहाँ से निपटा दे, चलते हैं निकल यहाँ से। तो ट्रेवर देख मैं यहाँ से ट्रक लेकर जा रहा हूँ, तू इनको निपटा कर फटाफट से आ जाऊँ, ठीक है? बाहर जो जीवन खड़ी लेके, बहुत सही गाइस। आप लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ से लेकर चलते हैं।
और इसके अंदर गए पूरा गोल्ड भरा पड़ा यार। वहाँ जो शिप के अंदर गोल्ड था ना, मैं पहले सोच रहा था उसको भी इसमें लोड करवा दे, पर यार यहाँ पे और ज़्यादा बंदे आ गए तो उस सब को छोड़ो, बस इतना गोल्ड भाई बहुत है यार, पूरा ट्रक भर के गाइस अपने को गोल्ड मिल चुका है। मतलब यार अपन लोग बहुत अमीर होने वाले हैं यार। और ये वाला गोल्ड तो फिलहाल देखो मैं अभी बंकर में रखवा दूंगा, बाकी प्रेजेंट से बातचीत करके ना इस गोल्ड को तो मैं कहूँगा कि मैं ही रख लेता हूँ, क्योंकि यार इतनी मेहनत करी है। और ट्रेवर को भी गाइस इसमें से अपन लोग गोल्ड देने वाले हैं, क्योंकि ट्रेवर तो भाई बोलेगा ही अब 50% मेरा है। और सही गाइस एक काम करते हैं, इस वाले ट्रक को फटाफट से अपन लोग भगाते हैं, भाई ऊपर चढ़ भी नहीं रहा यार, ये बड़ी मुश्किल से चला है। एक काम करते हैं इसको अपन लोग लेकर ना फिलहाल अभी मैं सैंडी शोर्स की साइड ही चलते हैं और ट्रेवर का वेट करूंगा यार पहले मैं आने का, पता नहीं ट्रेवर भाई कितनी देर में आएगा। और एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ से दूरी लेकर चलते यार पहले तो। ओके गाइस जब तो मेरी ट्रेवर से अभी अभी गाइस फ़ोन पे बातचीत हुई और ट्रेवर ना वहाँ से कार लेकर निकल चुका है। तो ट्रेवर ने गाइस मेरे को बोला है कि मैं अभी फिलहाल इस ट्रक को लेकर ना उसका जो सैंडी शोर्स का एयरफील्ड है वहाँ पर इसको लेकर चले जाओ, वो भी वहीं पर पहुँच रहा है। बस यार ट्रेवर ना कुछ लफड़ा ना करे बीच में कहीं, भाई उसके बंदों से और लड़ने ना चले गया हो यार। तो एक काम करते हैं फटाफट से हम इस वाले ट्रक को भगाते हैं और सीधा चलते गाइस ट्रेवर के सैंडी शोर्स वाले एयरफील्ड पे, और अभी तो फिलहाल मैं उसको वहीं पर लगाने वाला हूँ ट्रक को। ओके गाइस यार तो मैं इस ट्रक को भगाते भगाते गाइस ट्रेवर के एयरफील्ड पर पहुंचने वाला हूं, और ट्रेवर को तो आने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा क्योंकि यार देखो वो वहां पर था और मैंने गाइस हाईवे पे पहुंचने के बाद ही उसे कॉल किया था और ट्रेवर मेरे को बता रहा था ना कि उसने वहां पे जितने भी बंदे आए ना उसके बाद कह रहा था और बंदे आए उन सबको भी उसने मार दिया और उसके बाद ही वो वहां से निकला है। भाई ट्रेवर बिना कसम से बड़ा खतरनाक बंदा है। तभी गाइस मैंने ट्रेवर को लेकर जाता हूं अभी हर जगह जब भी कुछ ऐसा काम होता है। तो मैं एक काम करता हूं इसका यहां पे जो छोटा सा ये हैंगर जैसा है ना इसके अंदर मैं लगा देता हूँ। बाकी ट्रेवर ने देख रहे हो क्या सही कर रखा है यार इस वाले एयरफील्ड को, भाई क्या सही बना रखा है। देख रहे यहाँ पे कुछ इंजन या कुछ भी खराब हो जाए ना तो रिपेयरिंग का भी यहाँ पूरा सामान रखा हुआ है यार, बस सही बना रखा है। बाकी एक काम करते हैं इस ट्रेवर के आने का आप लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं और देखते हैं भाई वो कितनी देर में आता है। बाकी इस वाले वीडियो में गाइस इतना ही, आई होप आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड पसंद आया हो ना तो भाई वीडियो को लाइक करके ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलता हूँ गाइस मैं आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।